गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अज सैवंथ कॉप चैप्टर आप कंप्लीट कर देने, अब वाइंड अप हो जाएगा सैवंथ चैप्टर। चार क्वेश्चन लास्ट टाइम कराए थे कि अज मैं तीन या चार क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर देंगा। वैसे तो सारे क्वेश्चन मैं पहला भी जिक्र किया कि ये सारे क्वेश्चन आलमोस्ट सेम ही होंगे है, तो डिफरेंट सिर्फ देखने लगते होंगे है या डिफरेंट सिर्फ जोमैट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू होंगे है। अदरवाइज़ जो चीज़ आप इन्होंने करनी चाहते होंगे स्टैबलिश वो बड़ी ईजीली हो जाती है जो तुम जोमैट्री ड्रॉ कर लेने है। तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। अपना 11 नंबर क्वेश्चन, ए हैवी रॉड ऑफ वेट W रेस्ट होली विद इन ए स्मूथ हैमी स्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस R। इट्स सीजी डिवाइड द रॉड इन टू पोर्शन ऑफ लेंथ ए एंड बी। शो दैट इफ थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ रॉड टू द हॉरिजेंटल इन ए पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम साइन थीटा शैल बी इक्वल टू दिस। तो उस तो बाद होर फर्दर प्रूव करने को कहा गया है, प्रूव दैट इफ टू अल्फा इज एंगल सबटेंडेड बाय रॉड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर दैन टेंजेंट थीटा शैल बी इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए इन टू टेंजेंट अल्फा एंड फाइंड द रिएक्शन बिटवीन रॉड एंड बाउल। तो स्टेटमेंट बड़ी लंबी चौड़ी लगती है कि देखने लगता पता नहीं इस की होएगा, पर एडा कुछ खास क्वेश्चन के नहीं हैगा। ये तो इस तरह एक अपना ये बाउल है, कटोरा कह सकते हैं इस तरह नाल, ठीक है, समूद अंदरों बिल्कुल। तो वो अंदर ना इस तरह एक रॉड टिकाई हुई है, भारी रॉड होएगी, तो यूनिफॉर्म नहीं हैगी रॉड, इस तरह टिकाई हुई है। क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं हैगी तो इस करके जी सेंटर ऑफ ग्रैविटी है वह रॉड नू दो हिस्सों से बन रही है, ए साइडले पासे ते बी साइडले पासे हैगा, तो वह जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरह लग रहा है। तो दूजी गल जी इत जो इतने क्वेश्चन के क्लीयर नहीं की गई, जो कि क्लीयर करनी बनती सी कि रॉड के अंदर टकान के नाल जिहड़ा हैगा स्फीयर टिल्ट करता या नहीं करता है, पर इस तरह कुछ मैनशन नहीं किया गया। तो आप मान के चल रहे हैं कि जरा स्फीयर है वह जो हैमीस्फीयर है उपरला जो बेस हैगा वह होरिजेंटल रहेगा, ठीक है। मजा कह लो कि जरा हैमीस्फेरिकल बाउल आ इन्ना ज़्यादा भारा है कि उन्होंने फर्क नहीं पैंता कि अंदर रॉड किमें पई हैगी, टिल्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यह रॉड पई हुई इस तरह हम नैचुरली रॉड इतने भी भार पाएगी तो रॉड इतने भी भार पाएगी, ठीक है। तो भार पाने इधर थ्रस्ट जाएगी तो इधर थ्रस्ट जाएगी या कह लो रिएक्शन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह दो रिएक्शन नजर आएंगियाँ, एक वेट थले वर्टिकली डाउनवर्ड में लग रहा है। तो जो पहले आप वेट की गल कर लें है, जो वेट है उन्हें हमेशा ग्रैविटेशनल इफेक्ट करके नीचे ही लगना है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा, वो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो उन्हें पास भी जरा है बाउल के सेंटर चो करना है, ठीक है, इस तरह बाउल के सेंटर चो पास करेगा। तो जिहड़ियां दो रिएक्शनज ने फिर आटोमैटिकली इक्विलिब्रियम मेनटेन कर ली, इन्हों भी उस पॉइंट विचों ही पास करना पवेगा, ये गल फाइनल हो गई है, ठीक है। जरूरी है डिस्कस करनी क्योंकि ये बिना आप अगर चल ही नहीं सकते है, पहला आपको फोर्सिज को स्पैसीफाई करना पवेगा कि फोर्स लग रही ने, तो जरूरी हो जाता उन्होंने फोर्सिज को इको पॉइंट के उपर मीट करवाना, ठीक है। नहीं मीट करनगियां तो थोड़ा कदे भी इक्विलिब्रियम एस्टैबलिश नहीं हो पाऊगा। दूजी जी गल कही गई है कि जिहड़ा आ एंगल ना रॉड जी हैगी है थीटा एंगल बना रही है विद द हॉरिजेंटल, राइट। तो आ एंगल एक टू अल्फा बन रहा आ वाला, ठीक है, वो गल अगे गल करा। तो मैं गल उ लिखी हुई हैं कि मेनटेन इक्विलिब्रियम करने लिए जो फोर्स वो पास करना पेगा सारियां एस ते आर रिएक्शन तो वेट W। सपोज कर लो बी एल मान लिया ठीक है, ए जी एम भी फिर ए जी एम एंगल तो ओ जी डी 90 माइनस ठीता हो जाएगी, जी ओ डी इंप्लाई सिंपल जी गल 90 माइनस ठीता हो जाएगा, ठीक है। तो सौखा ही इसनों प्रूव करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आलसो जो जी डी है उसनों आप ए डी माइनस ए जी लिख सकते हैं, वही लेंथ की कन्वर्शन जी है। ए डी कितना है, ए प्लस बी बटा दो कॉमन ए मिड पॉइंट है ए जी जो, ठीक है, ए डी डी जो मिड पॉइंट है, तो ए जी अपना ए बराबर है, कैंसल वगैरह करके जरा जी डी है बी माइनस ए पॉइंट टू आ जाएगा। हम आप राइट एंगल ट्रैंगल है अपनी तो ए डी ओ जो या ओ डी ए तो उतों ओ डी आप निकाल सकते हो, ओ ए माइनस ए डी स्केयर, ओ ए स्केयर माइनस ए डी स्केयर के बराबर होगा। ओ ए की चीज़ अपना रेडियस होएगा वेरी हैमीस्फेरिकल बाउल का, ए डी अपना ए प्लस बी पॉइंट टू है ना,
इस तो बाद ओ जी स्केयर भी आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस तरह लिख सकते हैं ओ डी जरा इतों निकाले इतने भर देंगे ठीक है। तो जी डी अपना जोड़ा है जी डी आप इतों चुक लेंगे बी माइनस ए इतने भरता सिंपलीफाई वगैरह करके जरा ओ जी है अपना आर स्केयर माइनस ए बी स्केयर आ जाएगा ठीक है। तो फिर जी ट्रैंगल हैगी अपनी उतो साइन थीटा जोड़ा है जी डी पॉन ओ जी आ जाएगा तो साइन थीटा निकलिया बड़ा ईजीली प्रूफ हो गया। उस तो बाद साइन सिंस जरा ए ओ बी एंगल जोड़ा है जी अपनी लेंथ हैगी रॉड की वो टू अल्फा सस्पेंड करती हैगी स्फेरी सफीयर के एंड स्फीयर के सेंटर के उपर है ना। तो फिर ओ ए बी तो ओ बी ए बराबर ही होंगे 90 माइनस अल्फा के बराबर हो जाएंगे कटने सौखे ही है ख्याल रखियो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है तुम्हें खुद अपने लैवल से करना पेगा ये छोटी छोटी गल्ला ने तुम सवाल कढ़ोगे अपने लैवल तू अपने आप ही आ जाएंगे है कुछ नहीं है अठवीं नौवीं दसवीं के सवाल ने पुराने। तो आप एम एन थ्योरम लगा दें ओ ए बी ट्रैंगल जिते एम एन थ्योरम लग के लगाती इस तो दूसरा पार्ट बड़ा ईजीली प्रूव हो जाएगा राइट। तो उस तो बाद आप फाइनल मूवमेंट ही लेना जितों आप रिएक्शन वगैरह कढ़ सकते हैं बी दे अबाउट मूवमेंट लै लो आर का डिस्टेंस जोड़ा है ए बी साइन 90 माइनस अल्फा है एस तो बच्चों पास ही करती पई है डबल यू का डिस्टेंस जी बी साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा है ना। तो कर करा के जरा आर इन्ना बन जाएगा तो कॉस थीटा तो कॉस अल्फा जो रिस्पैक्टिव ट्रैंगल्स ने उतों कॉस थीटा ओ डी पॉन ओ जी हो जाएगा तो कॉस अल्फा ओ डी पॉन ओ ए हो जाएगा है ना। इतों जोड़ा अपना हैगा ओ डी तो ओ डी कट्टे जाएंगे ए ओ ए पॉन ए ओ जी आ जाएगा है ना। तो ओ ए पॉन ओ जी आप उपर निकाले हुए हैं सारिया वैल्यूज़ तो ओ ए की वैल्यू भर दो ओ जी की वैल्यू भर दो जरा अपना आर की कीमत आ जाएगी ठीक है। तो ये इन्ना की क्वेश्चन हैगा ये अगे चलते हैं ए हैवी यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2L इज रेस्टिंग इन कंटैक्ट विद स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड द एंड ऑफ रॉड प्रेसेस अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वॉल इफ द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम द रेडियस फ्रॉम द वॉल इज सी एंड थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ द रॉड विद द वर्टिकल दैन प्रूव दैट दिस। हुण इहदे जिहे ना कुछ कमियां ने जो दे आपां नूं दस नहीं रखियां हैगियां जो कि बहुत जरूरी ने मैं समझाना है किवें। आ एक सफीयर है ठीक है सफीयर के उपर एक इस तरह रॉड टकाती हूँ रॉड नैचुरली इधरले पासे नूं टिल्ट करेगी इधरले पासे नूं है ना पर इधरले पासे ना दीवार है दीवार च फसाई हुई है रॉड तो वो ना दीवार च फसाई हुई है तो रॉड टिकी हुई है मतलब रॉड इधरले पासे नूं डिग नहीं रही ऐ करके यानी कि स्लाइड अगर थले डिग सकती हैगी है या फिर इधर नूं जा सकती है वो पर फिलहाल इस तरह मतलब टकाया होया कि रॉड फस गई तो उपर टिक गया इस तरह सब कुछ। हुण जो अपन दस रखे है कि जरा आ डिस्टेंस है ना वाला एन सी ए सी के बराबर है हुण इहदा ये नहीं पता है कि यह किन्ना का हैगा है ना आर तो किन्ना का वड्डा टू आर तो वड्डा है या टू आर तो छोटा हैगा उस हिसाब नाल ना हुण अपना जिहड़ा हैगा वेट जिहड़ा हैगा बाहर नूं जा रहा हैगा आए देखण नूं लगदा देखो आ वेट जिहड़ा लगा रहा हैगा ए जी ते जी बी इत्थे लग रहा हैगा बाहर नूं जाई जा रहा हैगा यह बड़ी वड्डी गड़बड़ है इस क्वेश्चन दे विच। ते चलो खैर मैं गल्लां कर लैणा चीज़ आपां प्रूव करनी चाहुंदे हैगे तो आ अपनी रॉड है जिसनों सफीयर के उपर रख्या होया ये रॉड इधर नूं डिगूगी जां ये डिगूगी इधरले पासे नूं ते आपां पर इत्थे एक वॉल दे विच फसा के आपां सफीयर के उपर टका दईए ठीक है। तो तीन तरह दीआं फोर्सेस लगनियां इक तां रॉड का वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड जो कि इसके मिड पॉइंट चो लगेगा ठीक है मेरे को जगह घट सी नहीं तो मैं रॉड नूं होर अगे खिंच दिंदा ठीक है इधर नूं अगे ना होर खिंची जा रही रॉड तो रॉड आ वर्टिकली वेट जरा डाउनवर्ड लग रहा है डबल यू राइट। एक इतने थ्रस्ट लगेगी इधरले पासे हमेशा वॉल नू 90 डिग्री ते हुंदी हैगी है तो जिहड़ी आ एस हैगी आ ये हमेशा सफीयर दी सरफेस नू नॉर्मल होएगी है ना। हुण जी रॉड है ये टेंजेंट है इस सफीयर नू तो जिहड़ी थ्रस्ट वो लगा रही होएगी ये रॉड नू 90 डिग्री ते होएगी इहनू जदों बैकवर्ड प्रोजेक्ट करोगे तो डबल यू नू वेट ते किते मीट करेगी रिएक्शन भी उस वेट जगह ते मीट करेगी ठीक है। हुण तीन फोर्स हो गई वेट वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रस्ट आ वाली ये पिछे नूं बैकवर्ड प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो ये डी दे उपर लग रही है एक रिएक्शन आर है वॉल दे उपर इस तरह लग रही है इन्हां सारियां नूं इक्को कॉमन पॉइंट च मीट करना पवेगा ठीक है तां जो इक्विलिब्रियम मेनटेन हो सके नहीं तां इन्हां ने फिर इक्विलिब्रियम मेनटेन नहीं कर पाना हैगा। तो अपना पॉइंट किहड़ा हैगा जिहदे उपर मीट कर रही ने इस पॉइंट उपर ही मीट कर रही ने जरूरी है इन्हां नूं मीट करना इस पॉइंट दे उपर। हुण आपां गल करिए सी दी सी जरा डिस्टेंस है सफीयर का सफीयर के सेंटर का वॉल तो सी नूं आपां सी एन कह दें सी एन कहदे बराबर सी ई प्लस ई एन सी ई बड़ा सौखा है आर कॉस थीटा के बराबर प्लस डी एम है ना। तो ट्रैंगल ए डी एम के एम डी कढ़ सकते हैं ए डी कॉस थीटा है
ट्रायंगल ए ओ डी विच ए डी कढ सकदे आ, ओ होएगा ए ओ कॉस 90 माइनस थीटा जो कि ए ओ साइन थीटा आ जाऊगा। फिर इस तों बाद इन ट्रायंगल ए जी ओ आप इस ए ओ नूं कढ सकदे आ, इस वाले ए ओ नूं ओ ए जी कॉस 90 माइनस थीटा आ जाऊगा। ए जी आपां नूं पता ही है एल दे बराबर हैगा, है ना, तो ए ओ कितना आ गया एल साइन थीटा आ गया। सारे नूं आपस च पुट करी जाओ तो एम डी निकल आऊगा, एम डी ते डी एम बराबर ही ने, है ना, एल कोसाइन क्यूब थीटा आ गया। इतने भर दो ते जो तुम प्रूव करना चाहते हो प्रूव हो जाएगा, बड़ा सौखा, एक नंबर से भर देंगे ना, वो भरता जो चाहते से प्रूव हो गया, ठीक है। उस तो बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ए सॉलिड कोन ऑफ वेट एच ऑफ हाइट एच एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज प्लेस्ड इस बेस्ड अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वॉल एंड सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट्स वर्टेक्स एंड टू ए पॉइंट इन द वॉल शो दैट ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज दिस। ठीक है, आ एक कोन है, ठीक है, इस तरह इनू कीता होया हूँ कोन नू ना कंध नाल इस तरह टकाया होया, कंध नाल इस तरह टकाया होया इस स्ट्रिंग की हेल्प नाल, इतने स्ट्रिंग बन के कंध उपर इस तरह बनता तो जरा की वाप की होया कि जरा बेस है वह बिल्कुल कंध के नाल टच कर लग पाया। हुण ते दो गल्लां ने, स्ट्रिंग नूं जे तुसीं ढिल्ला छड्डोगे तां इहने इधर नूं उलड़ जाणा हैगा, इधर नूं लटक जाणा, जे इहनूं कस दोगे स्ट्रिंग नूं खिच्चोगे तां इहने इधर नूं उपर नूं चला जाणा। तां आपां की करना चाहुंदे हां कि जिहड़ा बेस है उह जस्ट टच कर रहा होगा वॉल नूं, ते इन्नी क लेंथ रखनी हैगी आपां स्ट्रिंग दी, वध तों वध लेंथ किन्नी होगी आपां कढ़नी चाहुंदे हैगे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जी है मैक्सीम कदों होगी जदों कोन इज मैक्सीम वैन द कोन इज ऑन द पॉइंट ऑफ टर्निंग अबाउट द पॉइंट ए, मतलब वह तो वह लेंथ की होगी ए वी पी की कि जो थोड़ी जी बता दो तो कोन ना इधर चक्या जाएगा इस तरह, यानी कि इस ओ दे अबाउट घूम जाएगा, है ना, ए उस पॉइंट पर जी लेंथ है मैक्सीम होगी। तो फिर जी इतनी रिएक्शन लग रही होगी इस जगह पर, वैसे तो सारे बेस की रिएक्शन लग रही होगी इस सारे बेस की, पर जदों आपां मैक्सिमम टेंशन लेंथ लगावांगे स्ट्रिंग की तो यह ना बेस जिहड़ा हैगा जस्ट टच कर रहा होगा, सारा भार इत्थे पै रहा होगा रिएक्शन से, तो उस केस में उस मूमेंट के रिएक्शन होगी बिल्कुल 90 डिग्री होगी वॉल दे, पर जो आ चक्या गया बेस है ना तो उदों रिएक्शन का मूव भी इधरले पासे हो जाएगा करके, ठीक है। पर फिलहाल आप जस्ट मैक्सिमम लेंथ लै रहे हैं स्ट्रिंग की, आप तो आपू वी जी पता है 3/4 हों सेंटर ऑफ ग्रैविटी अपनी वी जी जी है इतने फोर्स पहले गल कर लीए फोर्स की ने एक तो आ स्ट्रिंग की टेंशन है, ठीक है, इतने बनया हुआ है पी पॉइंट से, एक आ रिएक्शन है तो एक आ वेट है, इस ओ डैश पॉइंट से मीट करे तो जी वेट है वो जी सेंटर ऑफ ग्रैविटी चो एक्ट कर रहा है, ठीक है। इतने मैं एंगल गलत ले लिया, ठीक तो नहीं है एंगल अल्फा सैमी वर्टिकल एंगल, तो यह तीनों फोर्स पॉइंट ओ डैश से मीट कर, ठीक है। तो आ जो ए बी है बेस आ अपना स्ट्रिंग का, तो वी जी 3/4 एच हों सेंटर ऑफ ग्रैविटी जी होंगी है कोन की, ये तुम्हें मैं पहला भी आखा सीगा कि सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो तुम्हें पता करनी ने प्लेन फिगरस दियाँ या सॉलिड फिगरस दियाँ तो गूगल कर लियो, वैसे मैं लिंक छड़ दूंगा तुम्हें इस लैक्चर तो मैं लिंक छड़ता है भी सेंटर ऑफ ग्रैविटीज लिख किमें किमें फ किनिया किनिया होंदिया है कटना तरीका, तो देखो उन्होंने आप रिपीट कर नहीं सकते है, हाँ आप याद रख सकते हैं, कढ़िया जा सकता हर एक चीज़ की सेंटर ऑफ ग्रैविटी इंटीग्रेशन के नाल डबल इंटीग्रेशन नाल ट्रिपल इंटीग्रेशन निकाली जा सकती है। पर मैं तुम्हें इस लैक्चर के नाल ना एक लिंक के पेस्ट करूँगा, कोई पेज पिक्स पेस्ट करूँगा जिसके उपर सारिया तरह फिगर्स दियाँ जो सेंटर ऑफ ग्रैविटीज हो, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए की है, फॉर इक्विलिब्रियम टेंशन मस्ट पास थ्रू, आज तक गल उ है कि टेंशन से वेट रिएक्शन सारी इको पॉइंट ओ डैश चो पास करनी चाहिए है। हुण ट्रायंगल जी वी ओ डैश जी तो वी पी ओ दोनों सिमिलर ने, तो सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सैप्ट लगाता इतने आप वी ओ एच है तो वी जी अपना 3/4 एच है, तो इतों एच एच कट्टे जाएंगे वी पी बटा वी ओ डैश 4/3 आ जूगा, यानी वी पी कि आ गया 4/3 वी ओ डैश। तो आप जो ध्यान ना देखिए ट्रायंगल वी ओ डैश जी के पाइथागोरस थ्योरम लग सकती हैगी है, वी ओ डैश कहदे बराबर है वी जी स्केयर प्लस जी ओ डैश स्केयर, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो जी ओ डैश ओ ए बराबर होंगे है, ना वी जी अपना 3/4 एच है तो ओ ए जरा है एच टेंजेंट अल्फा के बराबर है ना, कोई मुश्किल नहीं है।
फिर वीपी लिख सकते हैं यदि हेल्प नाल, है ना, वीओ डैश भर देंगे, इतने भरता अपना वीपी आ जाएगा। वीपी की चीज़ अपनी लेंथ होएगी स्ट्रिंग की मैक्सीमम, ठीक है। तो अज लिए इन्ना ही बहुत है, अपना चैप्टर नंबर 7 जो है खत्म हो चुका है। कल आप नैक्सट चैप्टर नंबर 8 शुरू करा। तो चलो खैर, जिन्हें क्वेश्चन हो सके मैं करवाए, 7 क्वेश्चन करवाते हैं, मेरे ख्याल 16 क्वेश्चन ने, बाकी तुम खुद देखियो अपने आप।